सुपर पावर बनता जा रहा है ठीक है जो ज़मीनी जमीन उनको मानना चाहिए हम वैसे एक वो अपने में बेशक नारे लगाए लेकिन जब तक हमारा अपने अंदरूनी हालात अपना अंदरूनी सिस्टम नहीं ठीक होता तब तक हम इंडिया से कभी भी एक लेवल पे बात नहीं कर सकते भारत के अंदर आपको बताना चाहूंगा रंग रंग की बातें हैं आप भारत की बात करते हैं मैंने कई भाइयों मुसलमान भाइयों को इंग्लैंड में देखा है वो कहते हैं हम इंग्लैंड के अंदर श्रिया करेंगे भाई जहाँ की आप पैदा हुए वहां तो श्रीरिया नहीं हो रही है लंदन में किस तरह इन्फोर्स कर लोगे अमेरिका ये समझता है कि ये जो क्वाड है ये एक लीडिंग रीजनल ग्रुप है और बाकी क्वाड पार्टनर्स के साथ मिलके ये इसकी बड़ी प्रायोरिटी है मिल रही है इनकी औकात ही नहीं है कि वो इन्हें बुलाएं ठीक है पहले तो ये इलेक्टेड एक पूरी गवर्नमेंट होती ठीक है फिर भी वो फेस टू फेस एक लेवल पे आके बात करते ठीक है हालात हमारी गवर्नमेंट के नहीं है और इंडिया मैं नहीं समझता कि वो अब हमें किसी वो गिनता है कि आप इनके साथ कोई हमें डायलॉग करने चाहिए एक इस्लाम नहीं बताया गया मुझसे आज अगर जाती तौर पे पूछे कि आप किस किस्म के मुसलमान हो तो मैं ये सिर्फ एक यही जवाब देता हूँ कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ एक किताब एक रसूल के ऊपर मेरा यकीन है जिस हिसाब से बांग्लादेश से आर

कॉन्फ्रेंस करनी तो इंडिया ने थी क्योंकि और आ, लेकिन आ, मोदी साहब वाला केस हो गया फिर बाइडेन भी रियलेक्शन के चक्कर में पड़ गए तो बाइडेन भी बाय द वे इसको इस्तेमाल करना चाहते थे मैं आपको इस्लाम को सही समझने की कोशिश नहीं की सबसे पहले हमारी इस्लाम से ज्यादा दूरी इसलिए है कि हमें अरबी जबान नहीं आती पाकिस्तान के अंदर हमने मैं के था तो मैंने एक दफा सर्वे किया था तुके, तुके इस पे वो इंडिया कई दफा आवाज उठा चुका है की जिस तरह आप कश्मीर पे क्लेम करते हैं वो हमारे बहुत सारे एरिया पे करते हैं और जिस तरह की नाहल हकूमत है तो ये ना हो कि हमें ये बहुत सारे एरिया उनको वापस देने पड़ जाए इवन अनबल सी और इसके ऊपर कड़ी नजर तो रखी जाए पर मुलाकात बिल्कुल ना किया जाए जैसा पाकिस्तान एक जमाने से हिंदुओं पर करता आया है सिखों पर करता आया है और 23.3% माइनॉरिटीज़ परसेंट माइनोरिटीज हिंदुओं को खत्म करके पाकिस्तान ने 1% परसेंट किया है ठीक वैसे ही यहां पर हो रहा है और भारत के अंदर जिस आपको बताना चाहूंगा रंग रंग की बातें हैं आप भारत की बात करते हैं मैंने कई भाइयों मुसलमान भाइयों को इंग्लैंड में देखा है वो कहते हैं हम इंग्लैंड के अंदर शिरिया इन्फोर्स करेंगे भाई जहां की आप पैदा हुए वहां तो शिरिया इन्फोर्स नहीं हो रही है लंदन में किस तरह इन्फोर्स कर लोगे तो ये दर हकीकत एक, एक मेरा, हम, हमें हमें एक यूनिकफार्म इस्लाम नहीं बताया गया मुझसे आज अगर जी तौर पे पूछे कि आप किस किस्म के मुसलमान हो तो मैं ये सिर्फ एक यही जवाब देता हूं कि मैं सिर्फ मुसलमान हूं एक किताब एक रसूल के ऊपर मेरा यकीन है मैं किसी को ये नहीं कहता कि मैं सुन्नी हूं भाभी हूं मैं त्योबंदी हूं मैं अल हूं मैं फला हूं मैं शिया हूं मैं ये ये हम लोग यही प्रॉब्लम है हमारे साथ यही प्रॉब्लम कि हम लोगों ने इस्लाम को सही समझने की कोशिश नहीं की सबसे पहले हमारी इस्लाम से ज्यादा दूरी इसलिए है कि हमें अरबी जबान नहीं आती पाकिस्तान के अंदर दूसरा हमने मैं, मैं बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट था चौहरी साहब तो मैंने एक दफ़ा सर्वे किया था पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के नाइनटी नाइन नाइनटी फाइव स्टूडेंट्स को नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती तो नीचे लोगों की हालत क्या होगी आपके घर के अंदर जो आंखों से बिल्कुल नाबीना होता है उसको हाफज साहब बनाकर इमाम मस्जिद बना दिया जाता है तो फिर वो कौम की तरबियत क्या करें कहते हो ये तुझे मैटर कर लेगा तो फौज आप, आप पच्चीस करोड़ लोग हैं वो देखे ना इमरान खान साहब जो है आपने उनको जिंदा पीर मान लिया है सारी दुनिया उनको मुर्शद मुर्शद कह रही है खातून उनकी काले बकरे दे रही है कभी उन्नीस किलो मिर्चें जला रही है लोग बच्चे जो है उनके घरों के गेट को जाके चूबते हैं कहते हैं ये जिंदा पीर फिर ये रिजल्ट निकलता है जब आपकी इस्लाम की तरबियत ठीक ना हो ठीक है सर अभी कुछ दिन पहले आ, आ, मतलब आपसे बात नहीं हो पाई थी आप मसरूफ थे आपकी मसरूफियत की वजह से हम आपका टाइम नहीं ले सके लेकिन कुछ दिन पहले जो पीएम मोदी का यूएस में विजिट था वहां पे इंडियंस थे जो यूएस में इंडियंस थे उनकी क्या फीलिंग थी और पाकिस्तानी इस विजिट को यूएस में जो मौजूद थे जैसे आप हैं आप जैसे बहुत से पाकिस्तानी है वो क्या फील कर रहे थे और सेकेंडली जितनी तेजी से यूएस का झुकाव इंडिया की तरफ हमें देखने को मिल रहा है वो एमेजोन हो या एल एन मस्क की कोई कंपनी हो या जिस तरीके से बड़ी बड़ी हैं वो वहाँ पे जा करने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके दो चीजों को उन्होंने भरपूर फायदा उठाया एक तो उन्होंने अपनी दुश्मनी चाइना के साथ अमरीका को बेची और अमरीका ने खरीदी आपने भी बेचने की कोशिश की, आपने, आपने की दुश्मनी जो है चाइना को बेचने की कोशिश की वो भी बिक रही है आपकी भी बिक रही है लेकिन उन्होंने चाइना की दुश्मनी को अमेरिका के सामने बेचा है वो विकी और दूसरी उसमें बात यह है कि उन, आ, आ, उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है उनके पास अजय बंगा मौजूद है उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है उनके पास निक्की हेली मौजूद है उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है उनके पास यहाँ पांच कांग्रेस मैन मौजूद है हमारे पास क्या है हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है हमारे पास आज भी देख लें आप हमारे जो हालात आई एम एफ के घुटनों पर पड़े हैं रगड़ नाक रगड़ रहे हैं आप और उसके अंदर भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है आपको इंडिया इं आई एम एफ का पैकेज जो जलीलो ख्वार करके देना सारी इंडिया की मर्जी से हो रहा है अब मैं ये छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको मूविंग फॉरवर्ड भारत का जो इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर है तो वो इस तरीके से कि वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग जो पढ़ के यहाँ आए थे वो यहां पे अमेरिकन कंपनियों के सीईओ बन चुके हैं और इस वक्त जो चाइना है चाइना अमेरिका का जो खाब है कि चाइना से की उस उसपे डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए तो वो सारा कारोबार चाइना से उठा के वो इंडिया लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ उन कंपनियों के सीईओ भी बहुत तो उनकी तरक्की को नहीं रोका जा सकता मोदी जी का ट्रिप था रैकेट, रैकेट ट्रिप था मैं बताने की कोशिश करता हूं वो कैसे मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चल और इस्रा, के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से दो दफा स्पीच की सो ही हैड मेड द हिस्ट्री नंबर वन दूसरा उसके सबसे बड़ी बात यह है कि वो शोकेस करके गए हैं उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था वो विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटरलेक्ट उन्होंने कहा आपके पास टेक्नोलॉजी है हमारे पास यूथ है हम उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे अब आप उसका जवाब दे लेंगे उसको आ, आप क्या कर रहे हैं सर, आप हमें, भी, आ, रहे हैं? हमें आ, भी यहां पे यही कहा जाता है पाकिस्तान में यही मैसेज दिया जाता है कि पाकिस्तान में यूथ है बड़ा टैलेंट है फिफ्टी थ्री परसेंटी आपका यूथ जो है तीन सौ बंदा किश्ती में मर गया यूथ हो जाकर ग्रीस के पास आपका यूथ डूब के मर रहा है पैदल भागरा यहां से